नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। आप देख रहे हैं मामबी न्यूज। और आपको बता दें, फगुआ पूरी तरह से चढ़ गया है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं, और ये होली इस तरह से चढ़ा हुआ है कि इनको नए नए रूपों में देखा जा रहा है। अभी देख सकते हैं ये साधु संत का रूप बनाए हुए हैं। और वहीं अभी लोकसभा चुनाव का भी पूरी गर्मी तरह से बढ़ गया है, रंग बढ़ गया है, रंगो सोरभ हो गया है। आइए मिलाते हैं मंत्री जी से, बात करते हैं कि इस बार होली किस तरह से विशेष होने वाला है। स्वागत है मंत्री जी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस बार होली समारोह पर, कई भिन्न भिन्न स्थलों पर मनवा रहे हैं, इसके बारे में पहले बताएं। देखिए, हम जब से विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, जीते हुए रहता भी हारे हुए रहता भी, लगातार हम होली मिलन कार्यक्रम करते हैं। अब विभिन्न प्रखंडों में करते हैं, होली है, दिवाली है, कर्मा है, जितिया है, सब पर्व हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। लोकसभा चुनाव सामने है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, अभी पहला तो होली है, दूसरा रामनवमी है, तीसरा सबसे बड़ा पर्व है लोकतंत्र में चुनाव है। सबका अपना अपना मताधिकार है, अपना अपना लोग हक अधिकार अपना समझ के अपना मतदान करेंगे। इस बार स्थानीय के नाम पे भाजपा बार बार बाहरी को दे रहा था, लेकिन इस बार कालीचरण जी का नाम आ रहा है, इसके बारे में क्या? किस पार्टी किसका नाम आ रहा है सब कुछ कहना नहीं है, लेकिन हमारा जो उम्मीदवार होगा महागठबंधन का, वो लोकल होगा और लड़ेगा भी, जीतेगा भी। कहीं ना कहीं देखिए, अभी मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि होली में हम, मैं मंत्री रहूं विधायक रहूं कोई मतलब नहीं है, अपने जनता के साथ हर वक्त हर समय रूबरू रहता हूं, साथ में उनके साथ होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, सब साथ में मनाते हैं। और सबसे बड़ा पर्व आने वाला है लोकसभा चुनाव, जिसे लोग आस लगा कर देखे हुए हैं कि चतरा में जो सूखा पड़ा हुआ था आजादी के बाद से, अभी तक स्थानीय सांसद नहीं बना है, उसके बारे में इन्होंने साफ तौर से कहा कि इस बार स्थानीय सांसद आने वाला है ना। 2024 आजादी के पहली बार चतरा के धरती पुत्र, चतरा का बेटा, आम आवाम मतदाताओं को अपना सांसद मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से संदेश दे चुके हैं कि इस बार सांसद होगा स्थानीय, माटी का बेटा होगा यहाँ का सांसद। मंत्री जी का नया नया लुक आप देख सकते हैं, वो हर वक्त, इस बार हंटरगंज में भी वो नए लुक में आए थे और अभी भी नए लुक में वो दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव इस बार पूरी तरह से गर्म जोश खरोश के साथ हो चुका है, और आने वाला समय में चतरा को स्थानीय सांसद मिले, लोगों का यही कहना है। और मंत्री जी ने भी साफ कर दिया है कि इस बार 2024 में स्थानीय सांसद जरूर मिलेगा चतरा को। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। धन्यवाद।